सो हेलो एवरीवन वेलकम टू भीमन न्यू आईएएस नंबर वन प्लेटफार्म फॉर योर सीसेट प्रिपरेशन एंड फॉर योर यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन तो स्टूडेंट्स होपफुली पिछले चार लेक्चर्स आपने देखे होंगे और एंजॉय करेंगे एंजॉय क्यों कह रहा हूँ क्योंकि आज जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं ना उसमें आप देखोगे कि, कि किस तरह के क्वेश्चन मैंने करवाए और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं तो काफी कुछ सिमिलरिटी के बहुत चीजें आपको सेम मिलेंगी ठीक है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल होपफुली आप नोट्स अच्छे से बना रहे होंगे क्योंकि इन नोट्स के दम पे ही हम क्या करेंगे हम अपनी लड़ाई को जीतेंगे क्योंकि बार बार अगर आप वीडियोस को देखेंगे मेरी मेरा मतलब ये नहीं कि वीडियोस को देखने से काम नहीं चलेगा कहने का मतलब है उस टाइम जब एग्जाम का टाइम होगा बार बार आप वीडियोज में क्यों टाइम वेस्ट करेंगे आप रिविजन पर जोर देंगे जो आपने हाथ से लिखे हुए हैं ठीक है तो वो नोट्स ही आपके काम आएंगे उस टाइम ठीक है तो प्लीज़ 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 डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं नाइन फाइव सेवन वन सिक्स फाइव मेरे साथ आपकी बात होगी डायरेक्टली और हम फिर आपकी समस्या का समाधान करेंगे यानी आपकी जो भी प्रॉब्लम है एग्जाम से रिलेटेड या कोर्स रिलेटेड जैसी भी है आप शेयर कर सकते हैं क्लियर तो चलिए और नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पच्चीस यानी मुझे अब 2024 का पेपर खत्म हो चुका है जो डर था मेरा वो निकल चुका है क्योंकि एग्जाम आ गया था और जैसा मैंने बताया था वैसा एग्जाम आया बड़ा कॉन्सेप्शुअल कि जिसने अपने मतलब कॉन्सेप्ट को पकड़ के चले होंगे लॉजिक्स और अच्छी प्रैक्टिस की होगी ना खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसने बहुत अच्छे से किए होंगे ना उसका एग्जाम डेफिनेटली दो वाला क्लियर हुआ होगा ठीक है अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी तो प्लीज उस कमी को देखिए अगर किसी वजह से आपका एग्जाम नहीं क्लियर हुआ या कहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ लाए क्योंकि एग्जाम अब हो चुका है आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं उसका ठीक है अब देख सकते हैं कि कहां पे कमी आई उस कमी को पूरा करिए अब वो समय है कि आप थोड़ा सा देखना शुरू करेंगे कमी कहां थी चाहे वो जीएस की बात करूं चाहे मैं सी सेट की बात करूं क्लियर तो प्लीज जुड़िए मेरे साथ सी सेट में कोई दिक्कत है तो नंबर आपको बता चुका हूं फिर बता देता हूं चलिए टारगेट यूपीएससीट दो हजार पच्चीस जल्दी ही आपके सामने नया बैच आने वाला है जिसमें हम एप्टीट्यूड कंप्लीट करेंगे जीरो टू तो एडवांस लॉजिकल रीजनिंग जीरो टू एडवांस और इंग्लिश कॉम्प्रीशन पर ज्यादातर जोर दिया जाएगा इस बार बहुत अच्छे से पिछली बार भी हमने अच्छे से किया था इस बार और अच्छे से करेंगे हम ठीक है ताकि इसको हम बड़े अच्छे तरीके से कर सकें और जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन्हीं क्वेश्चन के अच्छे लेवल का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ठीक है चलिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल मी व्हाट्सएप मी एट नाइन फाइव सेवन सिक्स फाइव स्टूडेंट आप कॉल भी कर सकते हैं एंड आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं क्लियर एडवांस मॉडरेटेड मेथड से करेंगे हम सारे के सारे एंड दीज आवर रिस्पेक्टिव एड्रेस ऑफ चंडीगढ़ एंड मोहाली सेंटर चंडीगढ़ एड्रेस से अगर आप जाना चाहें चंडीगढ़ इट्स प्लॉट नंबर सेवन ग्राउंड फ्लोर पंजाब की सीरी बिल्डिंग सेक्टर ट्वेंटी चंडीगढ़ एंड मोहाली सेंटर की बात करें प्लॉट नंबर नंबर बिल्डिंग फोर्थ फ्लोर एरिया चंडीगढ़ मोहाली क्लियर तो आप विजिट कर सकते हैं चलिए चलते हैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ और प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास दिया गया है ठीक है <coughs> चलिए देखिए पहला क्वेश्चन और मैंने ईयर भी लिखा है कि कौन से साल में क्वेश्चन पूछा गया था तो एक क्वेश्चन है मेरे पास यूपीएससी का ठीक है फॉर अ चैरिटी शो द टोटल टिकट सोल्ड ठीक है हाफ ऑफ द टिकट एट द रेट ऑफ रुपीज फाइव इच वन थर्ड एट द रेट ऑफ रुपीज थ्री इच एंड रेस्ट फॉर टू रुपीज इच वॉज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड कि टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना होगा ये बताना आपको चलिए देखें जरा देखो मेरे पास क्या दिया है फॉर अ चैरिटी शो द टोटल टिकट्स वर सोल्ड 420 टोटल 420 टिकट्स हैं मेरे पास द क्वेश्चन इज सेइंग हाफ ऑफ द टिकट्स इसका हाफ का मतलब इसका बाय टू यानी इसके 210 टिकट्स अगर एक टिकट कितने रुपए की है पांच रुपए की है तो 210 टिकट्स कितने की बिके मेरे पास ₹1050 इजी दो हजार चौदह का क्वेश्चन तो आसान तो होगा ही बट आपने किसी क्वेश्चन को आसान या मुश्किल के कैटेगरी में नहीं रखना आपको सिर्फ करना है ठीक है सोच के चलिए। पर कुछ नहीं करना इसका वन बाय थर्ड यानी कितना हो गया वन फोर्टी हो गया एट द रेट ऑफ थ्री पर एक सौ यानी 140 सौ चालीस गुना तीन कितना हुआ यहाँ पे एक हजार मिले और यहाँ पे कितने मिले फोर ट्वेंटी अब देखो यहाँ पे दोस्तों 10 टिकट्स बेच दी यहाँ पे 140 सौ चालीस साढ़े तीन सौ होगी अब कितनी बची मेरे पास सेवेंटी टिकट्स बची और वो दो पे बेची हैं तो कितना हो गया 140 तो आसान था एक प्लस 420 कितना हो गया मेरे पास चौदह सौ प्लस एक सौ चालीस क्लियर

सावधानी कैसी गलती कहां लग सकती है अगर उसने बोला हो, सम ऑफ गलती लगेगी आपको उस केस में अगर आप, के नहीं लोगे, आप क्या करोगे अंडर रूट नहीं निकाल लोगे। तो ये लिख लो दो चार सेकंड में कुछ नहीं बदलेगा बट गलती से दुर्घटना से देर भली दो चार सेकंड में कुछ नहीं जाएगा सो नाइन के प्लस ऑफ एट के पास कितना दिया है फिफ्टी वन तो 17 के इज हाउ मच 51 तो के की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास तीन तो मेरे पास ए जो औदासहन पूछा है वो भी कितनी होगी ऑप्शन नंबर डी 3 आसान आसान क्वेश्चंस हैं ज्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चंस में ठीक <coughs> है ये 2014 और 2015 से रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस थे दो मेरे पास जल्दी से इसको नोट कर लीजिए लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए ये 2015 में आया था क्वेश्चन मिक्सचर्स का ये क्वेश्चन बेसिकली मिक्सचर से है थोड़ा आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने किया नहीं है बट कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं देखिए क्या दिया टू इक्वल ग्लासेस ऑफ सेम टाइप आर रिस्पेक्टिवली वन बाय थ्री एंड वन बाय फोर वन एंड वन बाय फुल ऑफ मिल्क दे आर देन फिल्ड अप विद वॉटर एंड द कंटेंट्स आर मिक्स इन अ पॉट इसका मतलब इसके बाद क्या हुआ 1/3 1/4 फिल थे उसके बाद आपने क्या किया इसके अंदर वाटर मिला दिया ठीक है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द बॉटल करिए ट्राई क्वेश्चन कर सकते ट्राई हो जाएगा डरने वाली कोई बात नहीं नहीं होगा मैं करवाऊंगा ट्राई कीजिए प्लीज और प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर लिखना कि आपका आंसर कितना आया था ऑप्शंस आर 7:17 1:3 9:21 ये तो 3:7 ही हो गया

अच्छा एक बात बताऊ मुझे जरा मैं कहता हूँ ये जरा ए हो गया मेरा या ये बीकर ए बीकर बी मुझे सिर्फ एक बात है बताई थर्ड फुल ऑफ मिल्क का मतलब क्या है वन थर्ड फुल ऑफ मिल्क कि अगर पहली क्वांटिटी मेरे पास थ्री लीटर है कि एक लीटर मेरे पास मिल्क होगा और दो लीटर मेरे पास वाटर होगा ऐसा ही कुछ होगा मैं सिंपल एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ आपको लीटर के केस में मिटा दूंगा अभी मैं ठीक है ऐसा ही होगा कि अगर मेरे पास टोटल क्वांटिटी तीन यूनिट की है तो दो उसमें वाटर एक उसमें मिल्क होना चाहिए इतनी सी बात समझ आई सहीस जी बोली यस बिल्कुल समझ आनी चाहिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं मतलब क्या है देखो मैं समझा देता हूं आपको वन बाय फोर लिखा ना ये हमेशा मेरी टोटल क्वान्टिटी होती है ये होती है क्वांटिटी आउट या क्वान्टिटी टेकन क्वांटिटी आउट या क्वांटिटी टेकन से मेरा मतलब यह है कि एक इसके अंदर मैंने मिल्क बोला तो अगर एक मिल्क है तो तीन मेरे पास वाटर हुआ और टोटल क्वांटिटी चार ये ये हो ये बताइए ये चीज क्लियर है यहां तक होपुल सबको क्लियर होना हो जाना चाहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए न्यू बैच की सारी डिटेल वहीं पर आएंगी और नंबर इज नाइन फाइव वन ट्रिपल सेवन वन सिक्स फाइव इस नंबर पर स्टूडेंट आपने कॉल करनी है एंड व्हाट्सएप करिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो और बैच के बारे में कॉल हैं ठीक है अच्छा अब देखो पहली पहले वाला तीन लीटर है दूसरे वाला चार लीटर है तो बराबर बनाने का तरीका विधि मैंने आपको बताइए कैसे करोगे इसको करो चार से मल्टीप्लाई और इसको करो तीन से मल्टीप्लाई ठीक है तो ये कितना हो गया चार आठ तीन नौ बात खत्म देखो ये कितना हो गया आठ और चार बारह यूनिट नौ और तीन बारह यूनिट समझ आ गई बात अब मेरा क्वेश्चन कंप्लीट है इसका मतलब क्या हो गया कि अगर पहले में मिल्क चार था वाटर आठ है देखो कितना हो गया टोटल फोर बाय ट्वेल्व वन बाय थ्री थ्री बाय ट्वेल्व वन बाय फोर वोटर तीन है वो सॉरी मिल्क तीन है तो वाटर नाइन हो गया बस कुछ नहीं करना ऐड कर दो चार और तीन सात नौ आठ सत्रह आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सेवन एवं क्लियर तो ये क्वेश्चन बेशक सेम हमने ना किया हो कि इतना पार्ट इतना पार्ट बट इसके कंसेप्ट हमने बहुत किए थे आपने देखा होगा कहीं को लगा भी होगा कि सर मिक्सचर्स के इतने सारे क्वेश्चन क्यों करा रहे क्योंकि मिक्सचर का चैप्टर कहने को तो एक टाइप का क्वेश्चन है बस उस क्वेश्चन के बड़े सारे टाइप बन जाते हैं मतलब उस टाइप के सब टाइप्स हैं कि ये कर दिया वो कर दिया इतने लीटर निकाले इतने लीटर ऐड कर दिया क्लियर तो जितने पॉसिबल मैक्सिमम मुझे मिले मैं लेके आया था जल्दी से इसे नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम फटाफट अब चलिए मैं हमेशा एक ही बात मानता हूं कि अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को पक्का कर लिया ना आप कभी मार नहीं खाओगे और जो हम रेशो वाला मैं हमेशा से क्यों कह रहा हूं कि रेशो प्लस परसेंटेज जिस बच्चे की ये दो चैप्टर अच्छे हैं ना वो कभी मारने का है अर्थमेटिक में रीजन क्या है आपके जो बाकी हुए चैप्टर हो गए ना कोई भी चैप्टर उठाओ उन सब में रेशो प्रमोशन का यूज होना ही होना है

सी क्यों यूनिट पर टाइम के जी क्या है ये ये सारे एक ही रूप है बस जैसे जैसे चैप्टर चेंज होगा इसकी लैंग्वेज बदल जाएगी स्टूडेंट इसके सिवा कुछ भी नहीं है समझ आगे बात तो बिल्कुल रिलेशनशिप बताऊंगा आपको मैं जब हम स्पीड टाइम डिस्टेंस करेंगे टाइम एंड वर्क करेंगे तब मैं इस फॉर्म के बारे में पक्का बताऊंगा आपको कि याद है हमने परसेंटेज में या रेशो प्रपोशन में किया था हमने कैसे यूज किया था उसे प्राइस क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल याद होगा के वाले क्वेश्चन किए थे हमने तो ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं अगर आप ये चीजें समझने लग जाओगे ना तो कभी में मार नहीं खाओगे। दिक्कत सबसे बड़ी क्या आती है आप इनको पेपर <coughs> अभी हमने क्लास में अब ये मत किया में भी तकरीबन तकरीबन सेम क्वेश्चन आया था बस उसमें सेम डिटो स्टेटमेंट थी पूछा कुछ और हुआ था अगर मुझे मिला तो मैं लेके आऊंगा ठीक है द क्वेश्चन इज मंथली इनकम ऑफ पीटर एंड पॉल आर इन द रेशो फोर रेशो थ्री द एक्सपेंसिस एट द एंड ऑफ द मंथर मंथली इनकम रिस्पेक्टिवली क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ दस सेकेंड दे रहे जल्दी से करके दिखाओ पंद्रह सेकंड ले लो ठीक है बट ए क्वेश्चन आप नहीं कर फॉर्मूला कौन सा लगना बताना जरा फॉर्मुला बताया हुआ है कौन सा हां जी इनकम इज टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स बिल्कुल सही फॉर्मला कौन सा यूज होना है इसमें इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स ठीक है यूज होना द मंथली इनकम ऑफ पीटर एंड पॉल हा पीटर है और पॉल है ठीक है पीटर एंड पॉल आर इन द रेशो फोर रेशो थ्री फोर के रेशो थ्री के ये क्या आ गया मेरे पास इनकम का रेशो मैं फिर से पूरा प्रोसेस बता दूंगा आपको देखो फटाफट बताता हूँ इनकम इज इक्वल टू ई वन प्लस एस वन ठीक है आई टू इज इक्वल टू ई टू प्लस एस टू मुझे क्या दिया हुआ है ये एक्सपेंसेस का रेशो मतलब ई वन बाई ई टू दिया हुआ है सो ई वन बाई बेसिकली आएगा क्या मेरे पास आई वन अपॉन टू माइनस ऑफ एस टू बेसिकली मेरे पास ये आने वाला ठीक है बेसिकली मेरे पास ये आने वाला और इसी को बस मुझे पुट करना है है? अब मेरे मेरे पास कितनी कितना होगा पास? फोर के माइनस ऑफ सिक्स थाउजेंड और थ्री के माइनस ऑफ और ये रिश्वत रे, ये दिया कितना मुझे इसको सॉल्व करना सिंपल सा है मेरा आंसर आ जाना ठीक है चलो करते हैं फटाफट इसको उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आपको और अब आप ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा इजीली कर लेंगे करने का तो बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं बट मैं नहीं चाहूंगा उनसे करो आप एक क्वेश्चन को जितना सिंपल आप लेके चल सकते हो उतना सिंपल लेके चलिए तो बेटर होगा थ्री के माइनस ऑफ सिक्स थाउजेंड इजिकल टू थ्री बायल टू थ्री बाय टू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई थे मल्टीप्लाई करें एट के माइनस ट्वेल्व थाउजेंड इजिकल टू नाइन के माइनस ऑफ एटीन थाउजेंड क्लियर अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और करके क्या लिख सकते हो आप आपके माइनस एट के टू माइनस ट्वेल्व थाउजेंड प्लस ऑफ एटीन थाउजेंड सो के की वैल्यू कितनी आगे छह हजार आ गई ऑफली दिख रहा होगा यस के की वैल्यू छ हजार तो क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है इनकम फोर के फोर इंटू सिक्स थाउजेंड ट्वेंटी फोर थाउजेंड एंड थ्री

और ये क्वेश्चन क्यों मैंने करवाए हैं कैसे करवाए हैं मैंने आपको याद होगा एक क्वेश्चन तो मैंने सेम इनकम वाला करवाया मतलब सेम सेविंग्स वाला एक मैंने डिफरेंट सेविंग वाला भी करवाया कि ए की सेविंग कुछ और है बी की सेविंग्स कुछ और है ठीक तो है तो दैट इज द डिफरेंस बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हैं नोट कीजिए फटाफट इसको जरा चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लास देर आर एटीन वेरी टॉल बॉय किसी क्लास में अठारह लंबे लड़के हैं, of boys, ये three by fourth हैं थीके? तो क्वेश्चन सोलह का एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द्लास की जो मेरे पास नंबर ऑफ बॉयज है वो क्या है टू थर्ड है टोटल नंबर ऑफ

रेस नहीं दोगे एक्सेलेक्शन नहीं दोगे गाड़ी चलेगी कैसे कोई बात नहीं धक्का मार के चलेगी कभी तो चलेगी बट अगर बिल्कुल ही आप उसको खड़ा रखोगे तो फिर हुँ? दिक्कत आ जाएगी तो जितना हो सकता है ट्राई कीजिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए इन अ क्लास देर आर एटीन वेरी टॉल बॉयज कॉन्स्टिट्यूट थ्री फोर्थ ऑफ द बॉयज इन द क्लास मतलब अगर बेसिकली मैं बात करूं थ्री बाय फोर्थ ऑफ बॉयज यानी अगर मेरे पास

बारह टोटल नंबर ऑफ बॉयज मेरे पास चौबीस है याद रखिएगा क्योंकि टोटल नंबर टोटल नंबर ऑफ जो बच्चे हैं मेरे पास क्या होंगे टोटल टोटल नंबर बॉयज प्लस कितने होंगे मेरे पास? 12. So, 24 12, B, 12 बताओ क्या था इस क्वेश्चन में थोड़ी स्टेटमेंट पजल आउट होगी तो बस दिमाग चक्र आ गया ये काम नहीं करना ये जब होता है जब लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है और हमेशा कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस के साथ ही आता है मैं हमेशा से एक बड़ा अच्छा सेगजाम्पल देता हूँ कि सपोज करो मुझे रेस पांच किलोमीटर की अगर मैंने कभी पांच किलोमीटर भागा ही नहीं अगर मैंने कभी पांच जब पांच ज्यादा हो गया एक किलोमीटर मान लो है ना बात कर लेते भाई एक किलोमीटर की रेस है अगर मैंने कभी भागा ही नहीं तो मैं क्या कहूंगा यार बहुत दूर है तो बट अगर मेरी डेली की प्रैक्टिस है दो किलोमीटर की भैया एक किलोमीटर तो कुछ नहीं मेरे लिए ये वही चीज है जो मैदान पे आपको भागने के लिए प्रेरित करेगी और एग्जामिनेशन हॉल में आपको एग्जाम के पेपर करने के लिए करेगी वो क्या कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर लेना है हो जाएगा मेरे ये वही चीज है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकता है और कोई इसका चारा नहीं है आप देखते रहो जितने मर्जी वीडियो देखते रहो जहां मर्जी से पढ़ लो कोई फायदा नहीं है जब तक आप खुद कुछ नहीं करोगे फैन उठा के एक बात मेरी याद रखना जब तक खुद कुछ नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता करना ही पड़ेगा आपको चारा नहीं है आपके पास

थर्टी टू बाई टू फोर्टी थर्ड पार्ट सिक्सटी फोर बाय सेवन ट्वेंटी नाइन पार्ट सेवन ट्वेंटी नाइन पार्ट सिक्सटी फोर बाय टू फोर्टी थर्ड पार्ट बताइए कुछ नहीं करना छह रेशो बना दो चुपचाप देखो ओरिजिनल फाइनल ये वन बाय थ्री का मतलब क्या है वन आउट ऑफ थ्री वन आउट ऑफ थ्री इसका मतलब पहले क्या है अगर फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूं क्या हो रहा है अगर तीन था एक चला गया दो बचे और हर साल यही हो रहा है या तो पावर छ कर लो या जो करना है वो कर लो सेकंड ईयर की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ गए मेरे पास फिर तीन से दो आ गया थर्ड ईयर की बात करोगे फिर तीन से दो आ गया फोर्थ ईयर की बात करोगे फिर तीन से दो आ गया फिफ्थ की बात करोगे फिर तीन से दो आ गया सिक्स की बात करोगे फिर तीन से दो आ गया आगे बात यानी कितना हो गया थ्री की पावर सिक्स से टू की पावर सिक्स अब तीन की पावर छ कितना हुआ देखो जरा कैसे कर दें इसे तीन का स्केयर का क्यूब नाइन का क्यूब कितना हो सेवन ट्वेंटी नाइन और ये कितना हुआ दो का क्यूब का स्केयर कर दो आठ चौसठ आ गया तो कितना आ गया सिक्सटी फोर आउट ऑफ सेवन ट्वेंटी सी मैंने अभी बताया था आपको कि अगर वाई है ये मेरा टोटल होगा हमेशा और ए वैल्यू टेकन ठीक तो है तो वैल्यू कितनी बची है सिक्सटी फोर आउट ऑफ हाउ मच नीचे वाला सेवन ट्वेंटी नाइन क्लियर हो फुलर होगा जल्दी से नोट कर लीजिए

ये भी 2017 का ही का क्वेश्चन लग रहा है मुझे 17 18 17 का ही होगा बेसिकली बेसिकलीउजेंड टू मीनू ईयर ऑफ बर्थ राइट देखो क्या दिए मीनू और मीरे मीनू एंड मीरा <laughs>

यही हुआ मीरा अभी भी बड़ी है मीनू से ऐसा तो नहीं हो सकता कि छोटी हो जाएगी <coughs> देखो अब आपने का करते एक ही चीज को ध्यान में रखना है कि आपके पास ये जो डिफरेंस है ना दो ये कांस्टेंट होना चाहिए यहां पे दो है तो यहां पे कितना एक है जो चीज यहां पे दो है तो यहां पे कितना एक है तो क्या करो इसको दो से गुना कर दो तो अगर मैं यहां लिख लू

अब इस एक की अब इस एक का मतलब क्या है एक बड़ा बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना इंक्रीज हुआ है एट क्लियर तो ये मेरे पास प्रेजेंट एज थी यानी मीरा आज कितने साल की होगी एट ईयर की और मीनू कितने की होगी सॉरी चौबीस ईयर चौबीस ईयर की वो मुझसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में वो मुझसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में वट इज मीनूज ये आठ साल की 2002 में थी 2002 में मेरा आठ ईयर की थी 2002 में से दो घटाओ कितना रहेगा 2000 हजार दो हजार हमसे घटा दो वन नाइन नाइन फोर दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्लियर सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज दीडियो क्वेश्चन है सपने की तरह लगते हैं एक बार जब होने लग जाते हैं तो मैजिकल मजा आता है फिर ऐसे क्वेश्चन करके क्लियर तो आपने प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है भाई वीडियो को चैनल को और जुड़िए मेरे साथ बिकॉज जल्दी ही हमारा नया बैच आ रहा है जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं टारगेट सी सेट दो है मेरा ठीक है कि सी सेट दो किसी एक भी बच्चे का नहीं रहेगा ठीक है जैसे इस बार किया है उसे भी अच्छे तरीके से करेंगे कोशिश करेंगे पूरी एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश कॉम्बिनेशन कंप्लीट करेंगे कोई चीज नहीं छोड़ेंगे एक सिंगल टॉपिक नहीं आपका छोड़ेगा ठीक है एडवांस मोटिवेटेड मेथड के साथ आप जुड़िए हमारे साथ नाइन फाइव वन ट्रिपल सेवन वन सिक्स फाइव इस नंबर पर स्टूडेंट्स आप कॉल भी कर सकते हैं आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और ये हमारे चंडीगढ़ है मोहली सेंटर के एड्रेस से, हैं आप आ सकते हैं और विजिट भी कर सकते हैं क्लियर सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज अ वीडियो थैंक यू स्टूडेंट्स और कमेंट करना मत भूलिए आपके आंसर्स जो मैंने बोले हैं क्लियर थैंक यू